हेलो दोस्तों, नमस्ते डियर। ये जो है वीडियो, ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, ठीक है? और ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए। आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, क्या उनकी एनर्जी है। तो चलिए डियर, इस वक्त की पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या ये प्लानिंग कर रहे हैं आपको लेकर, एक्शन को लेकर, कमिटमेंट को लेकर। तो देखिए डियर, क्या कैंडल वैक्स में क्या रीडिंग आती है, आपके पार्टनर की क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो जैसी एनर्जी रहेगी डियर, देखना ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है? और पॉजिटिव होकर ध्यान से सुनिए और अपने पार्टनर के बारे में सोचो और देखो आप क्या आपके पार्टनर ये मैसेज दे रहे हैं। अगर आपको लग रहा है डियर कि आपके पार्टनर की एनर्जी है तो जरूर रिसीव करें। अगर नहीं आपको लग रहा कि आपके पार्टनर, थोड़ा सा भी एनर्जी आपकी लगी कि ये नहीं है, तो डियर ये आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि जहां शक की एनर्जी होती है वहां आपका कनेक्शन नहीं मिल सकता है, ठीक है? ये मुझे आप लोग को समझाना बहुत जरूरी है डियर। और मैंने शाम में, देखिए प्रकृति हमें कैसे कैसे संदेश देती है, इस चीज को आप लोग समझे। कबूतर वाली एनर्जी जो है वो देखो, वो भी यूनिवर्स कैसे कैसे मैसेज देते हैं आप लोग की ग्रोथ के लिए। मेरे सामने ऐसा हो रहा था और मैं डायरेक्ट उसको वीडियो बनाकर मैंने आप लोग के लिए डाला। तो इस पर आप फोकस कीजिए, क्योंकि नेचर से कनेक्ट होना पड़ेगा आपको, इसलिए कि आपको हर तरह से एंजल्स आपको, यूनिवर्स आपको मैसेज देते हैं। उस चीज को आपको फॉलो करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे डियर। चलिए डियर, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या उनकी एनर्जी है। दो चॉइस, एक आपके पार्टनर, उनके दो चॉइस। यहाँ पे डियर आपको भी मैं देख रही हूँ कि आपके भी दो चॉइस हो सकते हैं, ठीक है? जहां आप कंफ्यूज हो, यहाँ आपकी भी एनर्जी आ रही है, ठीक है? आप डियर कहीं ना कहीं किसी सिचुएशन में अटके हुए हो सकता है आप मैरिड भी हो सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि मेरे कुछ व्यूअर्स कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं, जिससे आप अपने लाइफ में बहुत उलझे हुए हो, ठीक है? तो इस वक्त आपके पार्टनर जो सोच रहे हैं, ठीक है, वो ये सोच रहे हैं डियर कि ये एक, आप जो उन्हें जब से मिले हो उनको बचपन का एहसास दिलाया है, ठीक है? उनको सारी खुशी दी है जो एक बचपन में, एक जो सपोर्ट मिलता है, प्यार मिलता है अपने मदर का, उस टाइप से आपने उन्हें प्यार दिया, सपोर्ट किया, पैम्पर किया, ठीक है? अभी इनको एहसास हो रहा है डियर, ये आपके पर्सन मिस तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें एहसास हो रहा है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सैड की एनर्जी है, ठीक है, स्टक वाली एनर्जी है। लेकिन मेरे कुछ व्यूवर्स की एनर्जी लो भी है, कुछ व्यूवर्स की हाई भी है, अच्छी एनर्जी भी है, ऐसी है। लेकिन आपने अब विश्वास करना सीख लिया डियर, यहाँ ये भी एनर्जी है, ठीक है? तो आपने कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट किया है, इसलिए ऐसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं, ठीक है? तो डियर मैं देख रही हूँ कि मेरे कुछ व्यूवर्स अपने लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ने पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन आप चेस कर रहे हो, ऐसा नहीं है। चेस करो लेकिन कैसे करो, क्योंकि आप अपने पर बैलेंस करो। आप में इतनी हिम्मत है, इतनी ताकत है बाबू, कि आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि आप में पेशेंस है। क्योंकि आप जैसे एनर्जी देख रहे हो, कितने विश्वास, कितनी अपने अंतर आत्मा से जुड़ कर और ये विश्वास के साथ ये वीडियो जो देख रहे हो, कोई भी वीडियो आप देखते हो, तो बहुत विश्वास और बहुत श्रद्धा के साथ ये क्या हुआ, विश्वास हुआ। तो यही एनर्जी आपकी हाई वाइब्रेशन आपकी यूनिवर्स तक ले जाती है, जो कि पॉजिटिव होती है। यहाँ पे वही एनर्जी है, आप जो सोच रहे हो कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपके पिक कर रहे हैं। लेकिन सही पूछे डियर, वो भले ही स्टक है, हो सकता है आपसे बात ना कर रहे हो या फिर कुछ व्यूवर से बात हो रही है डियर। आज भी कुछ लोगों का कॉल मैसेज आया है, दिख रहा है, लेकिन वो छुपाते हैं इमोशंस को डियर, ठीक है? देखिए उनको छुपाना भी यहाँ जरूरी है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। वो थोड़ा सोच समझ कर कदम बढ़ा रहे हैं और आप जो हो, आपको एकदम से अभी तो अभी चाहिए, ठीक है? और आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं, आपको बहुत लाइक करते हैं, ये भी एनर्जी है। लेकिन डियर ये अचानक से ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर बिताए हुए पल को, पुराने दिन को, बचपन को बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसा प्यार, ऐसा सपोर्ट, ऐसा पैम्पर कोई नहीं किया, कोई भी किया तो एक माँ ने किया, ठीक है? आपकी फीलिंग्स की कदर करते हैं लेकिन अभी मजबूर है डियर, ठीक है? बीते हुए बातों को याद कर रहे इमोशनल हो जाते हैं डियर, क्या करूं, कैसे करूं, क्यों मैंने ये किया, क्यों मैंने ये नहीं किया। डियर जो हो, आप मेल हो, फीमेल हो, जिसको जैसे लेना आप ले लो, ठीक है?
देखिए मुझे लग रहा है डियर कि कोशिश वो बहुत कर रहे हैं, ऐसा नहीं, बहुत हिम्मत, बहुत ही अपना विल पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके तरफ वो एक्शन लें, ठीक है, लेकिन कोशिश कर रहे डियर ये, लेकिन अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को ये मना नहीं पा रहे डियर। किसी की इंगेजमेंट हुई है, ठीक है, किसी की मैरिज ठीक हुई है, जिससे आपका दिल दुखा है डियर, ठीक है, तो इस वजह से आप थोड़ा टूटा हुआ फील कर रहे हो और आपको विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि वो आप पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं डियर, कि आपकी एनर्जी क्या है, आप क्या सोच रहे हो, आप अभी क्या कर रहे हो, ये आप पर बहुत नजर रख रहे हैं डियर। उनको पुराने दिन, खास दिन याद आ रहा है, कुछ आपने गिफ्ट दिया, ठीक है, कुछ वक्त बिताए, ठीक है, आपने कुछ ऐसा उनके साथ किया कि इस वक्त उस एनर्जी को पिक करें, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, जबकि यहाँ सैड की भी एनर्जी है, ठीक है, ये उदास भी है, अकेलापन भी है डियर, लेकिन गिल्ट इस बात का है कि ये पेरेंट्स को मना नहीं पा रहे हैं और आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, ये एनर्जी, लेकिन जो भी है आपके लिए बहुत डीप, बहुत ट्रू फीलिंग्स आपके लिए है। आपकी पर्सनालिटी बहुत खूबसूरत है, आप मन के बहुत खूबसूरत हो, सुंदर हो, ये सोच रहे हैं, आपको हर कुछ मिलना चाहिए, आप डिजर्व करते हो, ये सोच रहे हैं, लेकिन देखिए कभी रो रहे हैं, कभी कैंडल आपने देखा अचानक से, मतलब कभी अपने आप को बहुत ज्यादा बैलेंस करते हैं, कभी बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हैं, ऐसी एनर्जी है, लेकिन ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मैं जहां हूं जैसे हूं तुम्हें विश्वास रखना होगा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारी हूं डियर। कुछ के पार्टनर बोलना चाहते हैं कि एक्शन लेंगे, यहाँ पे वेटिंग एनर्जी है डियर, ठीक है डियर, यहाँ पे मैं बोल दूं कि मेरे कुछ व्यूवर्स जो आप वेट कर रहे हो डियर, कुछ व्यूवर्स की एनर्जी मुझे ऐसी क्यों नजर आ रही है कि कुछ लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं और आप सोच रहे हो कि वो सोलमेट हैं या फिर ट्विन हैं, नहीं डियर, देखना कुछ समय के बाद मेरे व्यूवर्स के लाइफ में कुछ न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू पार्टनर की एंट्री हो रही है, ठीक है, या फिर आपके एक्स आ सकते हैं, या फिर आप किसी से डील कर रहे हो, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, या फिर काफी साल हो गए डियर, तो मुझे यहाँ एनर्जी ये आ रही है कि कुछ लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं जो कि आप विश्वास कर कर बैठे हो, लेकिन कुछ की एनर्जी आ रही है कि आने वाले साल में कुछ लोग के लाइफ में नए फ्रेंड मिलेंगे, नए पार्टनर की एंट्री हो रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब आप अपने लाइफ में अपने लिए सोचोगे कि मुझे क्या करना है। आपके पार्टनर अंदर ही अंदर रो रहे हैं डियर, आपको खोकर वो खुश नहीं है, अगर उनकी शादी हुई अचानक से, इंगेजमेंट हुआ है, तो वो खुश नहीं है डियर, लेकिन जहां जिस सिचुएशन में है, अगर थर्ड पार्टी है, कार्मिक है, कोई किसी के साथ ऐसे जगह वो फंसे हुए हैं, वहां से जो नहीं निकल पा रहे हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इससे आपके पार्टनर अंदर ही अंदर रोते हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सक रहा हूं, मैं क्यों नहीं कर रहा हूं, मैं क्यों एक्शन नहीं ले रहा हूं डियर, यहाँ इनको अंदर से हिम्मत जुटानी होगी, ये कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है, लेकिन प्यार बहुत है, फीलिंग्स है, एक्शन के मूड में है डियर, बहुत जल्द आपके तरफ एक्शन लेंगे, कॉल मैसेज कर सकते हैं डियर, आज अभी इसी वक्त से कभी भी किसी समय आपके तरफ कॉल मैसेज आ सकता है, ठीक है, कॉल मैसेज आ सकता है, आज अभी इसी वक्त से कभी भी किसी समय कॉल मैसेज आ सकता है, ऐसी एनर्जी है, लेकिन कुछ लोग को वेट करना पड़ेगा डियर, ठीक है, यहाँ पे ये भी एनर्जी है, वेट करना पड़ेगा। तो चलिए डियर, ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए, ठीक है डियर, तो देखिए डियर यहाँ पे मैं देख रही दोनों तरफ से मिसिंग एनर्जी है, बहुत मिसिंग एनर्जी है, यहाँ खूबसूरत सा दो कपल बने हैं डियर, दो कपल है जो एक दूसरे से प्यार कर, यहाँ पे अट्रैक्शन भी दिख रहा है डियर, इमेजिन करना, आपके फोटो को देखकर बात करना, हग करना, किस करना, फिर सोना, उठ उठ कर मोबाइल पकड़कर आपको चेस करना, आप किससे बात कर रहे हो, सबकी भी एनर्जी है बाबू यहाँ, लेकिन प्यार बहुत है, आपको खोना नहीं चाहते हैं डियर, यहाँ खोने का डर बहुत ज्यादा दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ मैं देख रही हूँ कुछ के पार्टनर जो आप सोच रहे हो डियर, मेरे कुछ भी वर्ष कि आपके पार्टनर सोलमेट है, ट्विन है, तो यहाँ पे मुझे कुछ कार्मिक दिख रहे हैं डियर, डियर इनका इन साल में एंड होगा, आपकी लाइफ में अगर नहीं आते हैं डियर तो देख लीजिएगा ये कार्मिक है, और फिर अगले साल में आपके लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है,
ऐसी एनर्जी कोई दोस्त फ्रेंड सोलमेट किसी तरह से आपके लाइफ में कोई एंट्री कर सकता है। यहाँ पे दो च्वाइस भी दिख रहे हैं, ठीक है, दो च्वाइस भी आपके, इसमें आप थोड़ा यहाँ कंफ्यूज हो और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं दो रास्ते में जगल कर रहे हैं, लेकिन वो आपको आपका हक देना चाहते, ये प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। वो रात में उठ उठ कर चेस कर रहे हैं डियर आपको, आप उनसे लड़ नहीं रहे हो, झगड़ नहीं रहे हो, पूछ नहीं रहे हो, तो इनमें थोड़ा सा मैं देख रही हूं कि डर भी है, खोना भी नहीं चाहते हैं, फीलिंग्स भी है, अट्रैक्शन भी है, खुद को रोक भी रहे। ये अचानक से कॉल मैसेज आपके तरफ आ सकता है डियर, अचानक से आएगा। कुछ यादों में खोए हैं डियर, मैंने बोला था कुछ यादों में खोए हैं, आपने कुछ गिफ्ट दिया, कोई डेट कोई दिन कुछ ऐसा गिफ्ट है जो बार बार देखते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन खुद को कंट्रोल कर रहे हैं डियर। डियर मैं यही बोलना चाहूंगी बाबू कि आप लोग बस ऐसे ही मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन पे आप बैठोगे आपको हर कुछ पता चलेगा, खुद को हील करोगे, पॉजिटिव रहोगे तो सब कुछ पता चलेगा, इसलिए आप पॉजिटिव रहो। देखिए जो भी ट्रू फीलिंग्स आपके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि वो आपके हैं, आपका हक किसी को वो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी वेटिंग एनर्जी है डियर। मैं थोड़ा सा लेटर बता देती हूँ, ठीक है डियर। कोई प्रेग्नेंट भी है क्या, या फिर आप लोग कोई प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे बच्चे चाहते हैं, एक फैमिली चाहते हैं, बहुत सुंदर बेबी कपल बहुत खूबसूरत बना है डियर, बहुत खूबसूरत, मैं लेटेस्ट बता रही थी डियर। पी है, एम है, टी एन एक्स वी नंबर भी मुझे दिख रहे हैं डियर, एट एट मुझे बार बार दिखता है, एट एट टू थ्री, एट टू थ्री, वन भी हो सकता है डियर, वन टू थ्री फोर आप लोग के नंबर हो सकता है डियर। तो देखिए डियर यही है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग जो प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, तो प्लीज पॉजिटिव रहे, मेडिटेशन करें, विश्वास रखें, विश्वास की एनर्जी है, जितना आप आगे बढ़ोगे उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी, थोड़ी सी हीलिंग आपको भी करनी है बाबू, ठीक है। तो चलिए डियर वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं डियर, सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।